शनिवार से देश भर के डाकघरों में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक काम करना शुरू कर दिया है, जिसका उद्घाटन दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के पश्चात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने गोरखपुर प्रधान डाकघर में नवनिर्मित इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह, खजनी विधायक संत प्रसाद, महापौर सीताराम जायसवाल, पोस्ट मास्टर जनरल गोरखपुर क्षेत्र संजय सिंह, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी व डाक विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर के डाकघर में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के उद्घाटन से पूर्व उपस्थित लोगों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी बैंक के उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शाखा के उद्घाटन अवसर पर प्रधान डाकघर परिसर में एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अतिथियों ने केंद्र सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेवाओं के फायदों को गिनाया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पहले लोग कहा करते थे कि डाकिया डाक लाया, लेकिन अब देश भर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सुविधा आने के बाद लोग कहेंगे कि डाकिया बैंक लाया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब खास तौर पर ग्रामीण लोगों को खाता खुलवाने और अन्य सुविधाओं के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका डाकिया ही आपके घर पहुंचकर खाता खोलने के साथ योजना से जुड़ी सभी जानकारी आपको घर पर ही देगा। श्री शर्मा ने कहा कि दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम से पूरे भारत में एक साथ बैंक का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए उन लोगों को बैंकिंग की सुविधा मुहैया कराएगी जो अभी तक इन सेवाओं से वंचित रहे हैं। डाकघरों पर लोगों के भरोसों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना बनाई है। IPPB के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। ये पावन मेला, ये पवित्र मेला हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हम सब एक बार आप अपनी संजय जी सर हो जाइए उसको के साथ श्री कमलेश पासवान जी सांसद एच के राव साहब होती है। पावन मेला होती है जब अति प्रकाश पूरे जग को प्रकाशित करें। बहुत बहुत ऐसी मंशा हमारे पल प्रतिपल समर्पित वसुधैव कुटुंबकम भाव के पोषक हमारे लोगों को उपहार प्रदान कर उनके निराश के लिए इसी साल और उन्होंने उनके लिए जनधन योजना शुरू की थी। 30 करोड़ ऐसे लाभार्थी थे जिन्होंने जनधन खाते खोले और जिनके माध्यम से आज के दिन 84,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा हुए। आज उसी क्रम में ग्रामीण नागरिकों के लिए, दलितों और गरीबों और पिछड़ों के सशक्तिकरण के लिए, आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं उठाया गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम बैंकों तक जाते थे पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से, बैंक ग्रामीण नागरिकों के घर तक जाने वाले हैं। हम लोगों ने इस बात को पढ़ा, एक जमाना था जब कहते थे डाकिया आया डाक लाया, अब हम कहने वाले हैं डाकिया आया बैंक लाया। कुल 6 लाख गांव, 3 लाख डाक सेवक, 1,55,000 शाखाएं मिला करके देश के संपूर्ण ग्रामीण व्यवस्था को दिसंबर 2018 तक इस अवस्था में पहुंचा देंगे कि हमारा हर ग्रामीण नागरिक चाहे आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर हो, वो बैंकों तक अगर नहीं जा पाए तो अपना डाक सेवक उनके
उनके पास अपना एटीएम लेकर के, अपना मोबाइल एक लैप लेकर के उन तक पहुंच सकेगा, उनकी सारी कमाई को जमा कर सकेगा, उसमें से निकालने और जमा करने की उन्हें सुविधा दे सकेगा। समाज के आखिर पायदान को जो व्यक्ति खड़ा है, ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। साथ ही मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सन 2009 में जब पहली बार सांसद बना था, बैंक खुलवाने के लिए हम लोगों को बहुत कठिनाइयां पड़ती थी। 2009 से लेकर सन 2014 तक करीब 12 से 13 बैंक अपने लोकसभा भाग स्वागत बनाने का काम किया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बैंक किसी भी चौराहे के लिए, किसी भी बड़े ग्रामसभा के लिए स्टेडियम से 3 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इस कार्यक्रम को हरी झंडी देख के पूरे देश में एक साथ लॉन्च करने का काम करने के साथ है। साथियों, जो हम लोग परेशान होते थे बैंक खुलवाने के लिए, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा ग्राम सभा होगा जहां पर डाक विभाग का कोई ऑफिस नहीं होगा। अब वो भी जितने भी डाक विभाग का ऑफिस है वो सब बैंक की तरह काम करेंगे। आदरणीय न्यायाधीश कह रहे थे ये जितने भी डाक विभाग के ऑफिस है, पोस्टल ऑफिस है, पहले गरीब आदमी बैंकों में जाता था, लंबी लाइन लगाकर परेशान होता था, खाता खुलता था नहीं खुलता था, पैसा जमा करने जाता था घंटों समय लगते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब बैंक खुद आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव उठाने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि अभी हम 6,000 गाँव शहर से एक लक्ष्य रखा है जो उसको हम तुरंत पूरा कर रहा पूरा करेंगे। 2018 तक मुझे लगता है कि पूरे देश में जब ये लागू हो जाएगा निश्चित तौर पर आम जनता के लिए फायदा होगा। साथियों, आज के इस अवसर पर एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आदरणीय मंत्री जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत। मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। गोरखपुर संसदीय सांसद आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी, इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री राम मोहन अग्रवाल जी, यहाँ के सम्मानित महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, प्रसाद जी, यहाँ के पोस्ट मास्टर जनरल गोरखपुर क्षेत्र का आदरणीय संजय सिंह जी, हमारे मंच के आगे विराजित तमाम वरिष्ठ हमारे नेतागण, आदरणीय श्री मुकेश शुक्ला जी, यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री अरविंद सिंह जी, सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री जनार्दन तिवारी जी, आदरणीय श्री राहुल श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश की यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री कामेश्वर सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अधिकारीगण, नागरिकगण, आज का ये दिन एक इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला दिन है। जिस समय पूरे देश का एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि देश के विकास की जो गति है वो जिले और गांव तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने जनधन योजना का प्रारंभ किया, मुद्रा लोन का प्रारंभ किया, विमुद्रीकरण के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को रास्ते में लाने की कोशिश की, जीएसटी के माध्यम से व्यापार का संतुलन स्थापित किया, और आगे बढ़ते हुए गांवों की सड़कों, गांवों के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए सड़क, बिजली और पानी,
स्कीमों की व्यवस्था में सुधार का प्रकट प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक सहयोगी की भूमिका में इस प्रदेश में गांव गांव तक सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली पहुंचे, गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहुंचे और गांव के किसानों की आमदनी दोगुनी हो इसके प्रयत्न किए। आज इसी कड़ी में भारतवर्ष को जो आज की सदी का सबसे बड़ा उपहार मिलने जा रहा है वो उपहार है कि गांव गांव तक जाकिया आपके पास में पहुंचेंगे, बैंक से संबंधित जितनी सुविधाएं चाहे वो बीमा की हो, चाहे वो लेन देन की हो, ट्रांजेक्शन की हो, चाहे वो छोटे छोटे फुटकर खुदरा दुकानदारों के द्वारा लेन देन की हो या अन्य छोटे व्यवसायियों के द्वारा, चाहे वो मनरेगा का मजदूर क्यों ना हो, उसके द्वारा केवल मोबाइल के ऊपर अपने लेन देन बगैर रुपए का ट्रांजेक्शन किए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैशलेस ट्रांजेक्शन, यानी बगैर कागज की मुद्रा का प्रयोग किए हुए मुद्रा का चलन करना। इसको हमने सपनों में कभी देखा होगा कि पैसा जमा करना है तो गांव से प्रधान जी अपने वहां के किसी किसान को लेकर निकल रहे और रास्ते में किसी ने या तो लूट लिया या क्या वो पहुंचे बैंक तक तो बैंक ने कहा इतना लंबा फॉर्म भरो कि वो फॉर्म भरते भरते वो बेचारे पढ़े लिखे तो है नहीं, कहीं अंगूठा लगवा लिया और किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो गई। अब ऐसा नहीं है, ये हाथ का जो भीम एक बनाया था मोदी जी ने कि हाथ का जो अंगूठा है वो आपका डिजिटल बैंक को खोलने का काम करेगा, आपका अकाउंट जाएगा जो पेटीएम जैसे शुरू किया गया था, जैसे तमाम और चीजें शुरू की गई थी मुद्रा के लेन देन के लिए। अब सरकारी स्तर पर 100% गवर्नमेंट के द्वारा जिसको पोषित किया जा रहा है, ऐसी योजना को उन्होंने पहली बार लॉन्च करने का काम देश के प्रधानमंत्री इससे थोड़ी देर के बाद में करने जा रहे हैं। यानी जितनी योजनाएं उनका सीधा लाभ किसको मिले, जो जो समाज से कटा हुआ है, जो समाज से पिछड़ा हुआ है, जिसको समाज की आमदनी का पूरा भाग नहीं मिल पाता, ऐसे लोग जो साधन के अभाव में बैंकों तक नहीं पहुंच सकते, उनके घर घर पहुंचेगा एक मशीन लेकर और मशीन में ट्रांजेक्शन होगा कि आज हमने इतने रुपए अपनी बचत के जमा किए तो बचत खाता भी वहीं पर हो जाएगा, हमें बीमा कराना है तो घर बैठे ही बीमा हो भी जाएगा और हमारे उस मशीन के द्वारा डाकिया घर से जाकर आपकी बीमा की किस्त भी काट लेगा, ना बैंक से रुपया निकालना है और ना ही बैंक के जो शाखा है वहां तक पहुंचना है। ये कैसे हुआ, अभी कुछ दिन पहले आपने कुछ सालों पहले देखा होगा कि पोस्ट कार्ड और जो तार पहुंचते थे, ये पहले तो पोस्ट कार्ड लिखा जाता था, गांव का डाकिया आता था तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था कि भैया आओ क्या आया, कहीं ये चिट्ठी आई है, चिट्ठी पढ़कर सुनाता था तो गांव की बहनें और गांव के बुजुर्ग गिरफ्तार हो जाते थे। लेकिन जब मोबाइल का एसएमएस शुरू हो गया, व्हाट्सएप शुरू हो गया तो ये सुविधाओं को करने वाले डाकिये का काम कम हो गया और पिछली सरकार में तो लोग कहने लगे कि डाकिया को हटाकर उसकी जगह कुछ और किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने अनूठी योजना शुरू करी और कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 650 शाखाएं पूरे देश में अब से कुछ मिनट के बाद एक साथ 3250 डाकघरों में जो सेवा केंद्र है उनमें एक साथ खोला जाएगा। 1,55,000 से ऊपर जो हमारे डाकघर है, 3,00,000 के आसपास हमारे कर्मचारी जो पोस्टमैन का काम करते हैं, इतनी बड़ी सेना जब ये काम करेगी कि आज भी गांव में जो पोस्टमैन है वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होता है। पहले जब तार बंद हुआ था तो लोग तार को लेकर उसकी विदाई का समारोह का कार्यक्रम आयोजन आपके टेलीविजन पर देखा होगा कि जो तार है ये जा रहा है
अवतार कोई नहीं होगा। लोग सोच रहे थे कि पुरानी चीज को खत्म कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? लेकिन आज आप जानते हो क्या हुआ, प्रधानमंत्री आज एक योजना शुरू कर रहे हैं। योजना के शुरू करने के साथ साथ जो पोस्टमैन है, जो इस सेवा के उससे संबंधित लोग हैं, उनकी तनख्वाह में भी 55% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। यानी एक साथ योजना को गांव तक पहुंचाना और एक साथ उनकी सेवा को जो निकाले जाने की संभावना आ रही थी उसको सेवा योजित करके और मजबूत कर देना। ये काम अगर कोई कर सकता है तो इस देश में एक चमत्कारिक परिवर्तन करने वाला नेतृत्वकर्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। आज का यही अवसर यहां पर हम सबको इस बात के लिए लाया है कि हमारे 155,000 जो डाकघर होंगे, इन डाकघरों में के माध्यम से सेवा को हम कोने कोने तक पहुंचाएंगे, ताकि समाज का हर तबका, लोग तो नारा लगाते थे समाज को विघटित करने का, कहीं कहीं हम लोग को हंसी में कह रहे कि आज विकास की बात कोई नहीं करता। मैं गुजरात का इंचार्ज था और प्रधानमंत्री जी के पास हर महीने समीक्षा बैठक हम लोगों की करने का अवसर मिलता। उत्तर प्रदेश चुनाव के नाते मुझे वापस भेजा गया और उत्तर प्रदेश आते ही आते चुनाव के कुछ महीने रह गए थे और प्रधानमंत्री जी ने अचानक एक दिन रात को घोषणा कर दी कि अब जैसे वो बोले कि मेरे भाइयों बहनों, तो लोग उनका संदेश सुनने के लिए आए। कोई खाना खा रहा था, कोई पार्टी में नाच गाना हो रहा था, कोई कुछ और हो रहा था, मैं एक जगह खड़ा था। जैसे उन्होंने कहा कि आज रात के बाद 500 और 1,000 के नोट प्रचलन में नहीं जाएंगे। इतना बड़ा निर्णय, बड़ी बड़ी लाइन निकलने लगी। लोगों ने कहा कि विमुद्रीकरण भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा। हम लोग डरते डरते प्रधानमंत्री जी के पास में पहुंचे और हमने कहा कि माननीय आपने योजना बहुत अच्छी करी है। उनका हाँ ठीक है, तो इसको कहने के लिए आया हूं। हम कहा नहीं, इस योजना के दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हो गए। कहिए तो मैं भी जानता हूं। हम कहीं ऐसा नहीं है, ये 2 साल बाद जीएसटी और ये इतना लाभ देंगे कि हमारे व्यापारियों की आमदनी भी बढ़ेगी और जो भ्रष्टाचार है वो भी कम होगा। ये भी मैं जानता हूं, मेरे बहुत अच्छा लगेगा। ये 2 साल में ये होगा तो कह लिया आप जो बात कहने आए हो वो बात कहो, भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा माननीय हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है और उस कार्यकर्ता के नाते आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। बोले अनुरोध मुझे बताए। आप कहोगे कि लोग लाइन लगा रहे हैं और लाइन लगाने वाले लोग हैं तो वो लाइन लगाने के बाद आपको वोट नहीं देंगे, यही कहना चाहते हो? हमने कहा कुछ दिन के बाद अगर हो जाता तो अच्छा होता। बोले आप लोग चुनाव क्यों लड़ते हो? मैंने कहा जनता हम लोगों को चुनती है। बोले जनता क्यों चुनती है? हम जनता इसलिए चुनती है कि हम उसके लिए विकास के काम कर सके। तो बोले मैं कौन सी काम कर रहा हूं? मैंने कहा ये विकास का काम है। तो बोले जनता ने जिस चीज के लिए चुना वही काम हम कर रहे हैं। और आप गांव में जाइए, इस देश में मट्टी के तेल के लिए लोगों ने लाइन लगवाई है, रेलवे के टिकट के लिए लोगों ने लाइन लगवाई है, गैस के सिलेंडर के लिए इस देश में लोगों ने लाइन लगवाई है, इस देश को पहली बार बनाने के लिए लाइन लग रही है। आपसे ज्यादा इस गांव का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, आप चिंता छोड़कर जाओ, ये भारत की महान जनता हमको जिता कर भेजेगी। और वही चीज हुआ, ये साधु रूपी जनता ने धूप में अगर लाइन भी लगानी पड़ा हो तो 1 महीने का लगाया और 3/4 बहुमत से बीजेपी को जिता कर भेजा। मैंने कहानी इससे सुनाई है कि आज जितनी योजनाएं लोग लड़ाते कहेंगे सवर्ण, ये पिछड़ा, ये अगड़ा, ये अंतोदय, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कहते, सबका साथ सबका विकास। अगर किसी से पूछो गैस का सिलेंडर गया तो किसको सबसे ज्यादा मिला होगा? जिसको सुविधा नहीं मिलेगी उसमें ज्यादा कौन होगा? अनुसूचित और पिछड़ा होगा। ये बैंक जाएगा किसको मिलेगा? जिनके बड़े मकान है वो तो सुविधा बैंकों में होगा, लेकिन कौन होंगे जो गांव में बेचारे, चाहे वो किसी जात के हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी के रहे हो, वो जो सबसे ज्यादा वंचित थे,
सुविधाओं से उनके वहां पर आज बैंक पहुंचेगा, गांव-गांव पहुंचेगा। राधा मोहन जी कह रहे थे कि डाकिया डाक लाया, कहेंगे डाकिया बैंक लाया और बैंक उनके घर में आया। और अब ये घर ऐसा बनेगा कि आपका बैंक आपके द्वार पहुंचेगा और हमारा बैंक हमारे द्वार में पहुंचेगा। इसकी सेवाओं का एक विस्तृत रेंज होगा। आप पूरे भारतवर्ष के घर में बैठे हुए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आज डिजिटलाइजेशन का ये युग का नया प्रारंभ प्रधानमंत्री जी ने कराया। लोग बोलते हैं कि इंटरनेट गांव में कहां आएगा। अरे भाई, आप पहले से निराशावादी हो जाते हो। किसी ने सोचा था कि दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के माध्यम से गांव गांव बिजली के खंभे गिरेंगे? क्या किसी ने यह सोचा था कि गांव गांव उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर आएगा? क्या किसी ने सोचा था कि जो जो हमारे यहाँ की परिस्थितियां हैं, सौभाग्य योजना के माध्यम से एक समय वो था जो बिजली के कनेक्शन के लिए लाइन लगाकर खड़े होते थे, घूस देने के बाद में भी हजारों रुपए देने के बाद में बिजली का कनेक्शन नहीं होता था। वो घर बैठे हुआ है ना। जब गांवों में बिजली पहुंचेगी और जनरेटर नहीं होगा, डीजल का खर्चा जितना होता था सिंचाई के लिए उसका चौथाई आज बिजली के माध्यम से हो रहा है। 24 घंटे बिजली दिसंबर तक आए, इसकी तरफ सरकार तेजी से बढ़ रही है। और यही व्यापक परिवर्तन आज आपको कुछ मिनटों के बाद में देखने को मिलेगा कि पूरा देश का किसान, पूरा देश का नौजवान इस बात का साक्षी बनेगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो सामाजिक जन कल्याण योजनाएं हैं, वो डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से जनता तक पहुंच सके, 100% लाभ हो। आपने कभी सोचा था कि राजीव गांधी जी कहते थे कि सरकार 100 रुपए देती है और 100 रुपए में से केवल 15 रुपए पहुंचते हैं आम जनता तक और 85 रुपए तक लोग उसका घपला कर देते हैं। अभी किसानों को हमने दिया है ना, उनके ऋण को हमने माफ किया है 1 लाख रुपए तक का। कौन किसान ऐसा होगा जिसको ऋण मिला हो और 1 रुपए भी किसी को घूस देना पड़ा हो? ऋण की अदायगी को हमने RTGS सिस्टम के माध्यम से किया, यानी वही अंगूठा, वही आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर आपका बैंक का अकाउंट और बैंक के अकाउंट के आधार पर सीधा पैसा आपके पास में पहुंच जाना। ये चमत्कारिक निर्णय आज देश को बदल रहा है। इस देश की तरक्की गांधी जी कहते थे कि देश की तरक्की तब होगी जब गांव का विकास होगा। आज की यह महत्वपूर्ण योजना गांव के विकास की एक आधारशिला होगी और 4 तारीख को प्रधानमंत्री फिर से स्वस्थ भारत की परिकल्पना में हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक उसके स्वास्थ्य की चिंता हो सके, अटल बिहारी वाजपेयी आयुष्मान भारत ये योजना लेकर आ रहे हैं कि आज किसी के, यानी भारतवर्ष की दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 5 लाख रुपए तक का एक परिवार को जो स्वास्थ्य के इलाज का खर्चा है वो सरकार उठाने जा रही है आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 4 तारीख। तो आज आप देख रहे हैं कि ये लाइव टेलीकास्ट होगा। लाइव टेलीकास्ट में श्री मनोज सिन्हा जी इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का भी संदेश इसमें आएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज 160 साल पुराना डाकघर, यानी बुजुर्गियत की अवस्था में सेंचुरी पार कर सका यदि कोई व्यक्ति होता वो नौजवान हो जाए, वैसे ही आज हमारा जर्जर होता हुआ ये पोस्ट ऑफिस आज इस योजना के माध्यम से जवान होता है और वो सबल बनकर अपनी योजनाओं को पहुंचाने में, जैसा आप देख रहे हैं निकल आपका बैंक आपके द्वार, ये डाकिया आपके द्वार में आकर, ये लघु बचत है जो लघु उद्योगों के संदर्भ में है, जो छोटे छोटे खुदरा के व्यापारी हैं,
ये टेम्पो चलाने वाले लोग हैं, ये ट्रैक्टर और हल चलाने वाले किसान हैं, ये जानवर का पालने वाले दूसरे लोग हैं, ये विभिन्न योजनाओं को का लाभ सीधा उनको मिलने वाला है। और आप सबको मैं यही कहूंगा कि आज की इस परियोजना का जहां आज पूरे देश में इसका उद्घाटन एक साथ हो रहा है, वहीं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो डिजिटलाइजेशन है उसका पूरा लाभ दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण देश भारतवर्ष होगा जिसको प्राप्त होगा। इस अनोखी योजना को बनाने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को, श्री मनोज सिन्हा जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज ये पोस्ट बैंक की गोरखपुर शाखा का आज आप शुभारंभ कर रहे हैं। और ये जनता को समर्पित करते हुए हम हर्ष का अनुभव कर रहे हैं कि इसका शुभारंभ आज से प्रारंभ होगा। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की गोरखपुर शाखा का आज से शुभारंभ यहाँ पर होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं डाक विभाग को और डाक विभाग के साथ साथ इससे जुड़े हुए समस्त कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत के प्रधानमंत्री का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इस नारे को जमीनी स्तर पर फलीभूत करने का स्वप्न साकार किया है। मेरी शुभेच्छा है और मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारे बांसगांव के जो सांसद हैं अत्यंत कर्मठ और कुशल है। गोरखपुर के क्षेत्रीय विधायक की अनोखी प्रतिभा जो उनके ज्ञान को पूरे प्रदेश में बहाती है विधानसभा में, राधे मोहन जी हैं। अपनी सरलता के लिए जो हमारी विधायक जाने जाती हैं संगीता यादव जी, और संत प्रसाद जी को तो देखिए तो लालू यादव फेल दिखते हैं इनके आगे। और इनकी अपनी कर्मठता के कारण जीत कर आते हैं। महनपाल सिंह जी ऐसे विधायक किसी भी जिले के लिए एक आदर्श हो सकते हैं। हमारे महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी जब से बने हैं अपनी ईमानदारी और कर्मठता से गोरखपुर के विकास में लगे हैं। मैं इनको और अपने संगठन के सभी लोगों का इस उपस्थिति में साधुवाद अर्पित करता हूं कि आज का ये अच्छा कार्यक्रम कि गोरखपुर क्षेत्र का, परिक्षेत्र का और आसपास के जनपदों का विकास की जो गंगा है उसके प्रवाहन में एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए हमें आज अवसर देगा। विकास की एक डुबकी है, हमें जो कुंभ में हम गंगा की डुबकी लगाएंगे, सरयू का स्नान करेंगे, लेकिन आज ये विकास की डुबकी जो है ये पेमेंट जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है उसके उद्घाटन के माध्यम से होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं इस अवसर पर आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जिसका उद्घाटन आज स्वयं प्रधानमंत्री जी के करकंदों से होगा। ये बैंक देश की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए लाभकारी साबित होगा। इस वक्त यहां प्रदर्शन स्थल पर जो डिजिटल वॉल के माध्यम से विलेज ऑफ द फ्यूचर 2023 प्रदर्शित किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रदर्शनी का अवलोकन, साथ ही स्वयं इस डिजिटल वॉल को ऑपरेट करके सफलता की कहानियां जन जन तक पहुंचाई जा रही है। किस प्रकार ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आने वाले समय में भविष्य में ग्रामीण इलाकों में किसान हो चाहे खुदरा व्यापारी, चाहे एक सामान्य सा मजदूर ही क्यों ना हो, सबका ख्याल रखता है भारत शासन का उपक्रम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। या अन्य खेल जी भगवान सभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधाओं का लाभ नागरिकों को मिल पाएगा।
आसानी से इस बैंक में खाता खोला जा सकता है। घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अथवा कंप्यूटर के माध्यम से बेहद आसानी से जानकारियां प्रेषित कर कोई भी नागरिक अपना खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खोल सकता है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आज के इस कार्यक्रम में आपका। अभूतपूर्व बदलाव की क्रांति से जन जन को जोड़ने वाले वित्तीय समावेशन को समर्पित जन जन की सेवा में अर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। स्वागत करते हैं माननीय संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी का। मंच पर स्वागत है सचिव डाक विभाग श्री ए एम नंदा तथा एम जी एम सीईओ आईटीपीबी श्री सुरेश दे जी का। शादी का नया नाम हो गया। ऊपर नहीं उठा, ऊपर नहीं उठा, ऊपर शादी का नया नाम हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या रात है? लगा रखे धीरे धीरे।